हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल रीड लेसन फॉर एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल फ्रॉम योर बुक स्नैपशॉट्स. नेम ऑफ द ऑथर इज पैट्रिक प्रिंजल सो एल्बर्ट आइंस्टाइन हु वाज़ बोर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1955 इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन तो न्यूटन के बाद अगर कोई ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हुआ है तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड ए लॉट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स ही गेव अ मेनी ग्रेट एंड फेमस थियोरीज टू फिजिक्स ओके सो दिस चैप्टर इज इन फैक्ट एंड एक्सट्रेक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन रिटर्न बाय द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंसल आइंस्टाइन एज ए चाइल्ड ही ही हैड अ ग्रेट माइंड But he did not like strict school discipline and he did not like learning facts and figures. So, this chapter describes his miserable time at a school in Munich in German and the circumstances which led to Albert's expulsion from that German school. So, let us start with the chapter. So chapter starts uh, with the talk between history teacher and Albert Einstein in what year einstein asked the history teacher did the prussians defeat the french at waterloo so history teacher is asking a question to the child albert that in what year prussians defeated the french in the battle of waterloo prussians a State the people who lived in a state in German. Okay, so I do not know, sir. So, what was the answer of Albert? He didn't know the answer. Why don't you know? You have been told it often enough, ki so many times this has been discussed and told in the class. I must have forgotten. So, what was the reply of uh, Albert? I must have forgotten. Okay, you have forgotten. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न आस मिस्टर ब्राउन मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश भी की है नो सर एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी अनथिंकिंग ऑनेस्टी मतलब वो ऑनेस्ट आंसर देता था जो मन में होता था वो बोलता था कि नहीं मैंने लर्न करने की कोशिश कभी नहीं करी ओके व्हाई नॉट तो टीचर पूछता व्हाई नॉट आंसर आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स ओके okay, मेरे को डेट्स लर्न करने में कोई पॉइंट नहीं नजर आता कोई लॉजिक नहीं नजर आता वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक ये तो बुक्स में देखी जा सकती हैं मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट तो कुछ समय के लिए तो वो स्पीचलेस हो गए जो उसके हिस्ट्री टीचर थे यू अमेज मी आइंस्टाइन ही सेट एट लास्ट एट लास्ट वो बोलता है कि बुक्स में तो ऐसे सब कुछ ही लिखा होता है तो सब कुछ हम बुक्स में से ही देख सकते हैं दैट अप्लाईज टू ऑल द फैक्ट यू लर्न एट स्कूल वो तो हर चीज के लिए अप्लाई होता है जो भी आप चीजें फैक्ट लर्न करते हो स्कूल में येस yes, सर तो उसका आंसर तो हाँ, सर ऐसा ही है देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स तो इसका मतलब जो फैक्ट्स हैं जो चीज़ें हुई हैं तो तुम उन चीज़ों को लर्न करने में बिलीव नहीं करते फ्रेंकली सर आई डू नॉट सेड एल्बर्ट Then you do not believe in education at all. It, इसका मतलब तुम learning में believe नहीं करते और तुम education में भी believe नहीं करते हो Oh yes sir, I do. Okay. यस yes, मैं बिलीव करता हूँ आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन बट मैं ये yes, जरूर सोचता हूँ कि फैक्ट्स को लर्न करना ही एजुकेशन नहीं होता सो इन दैट केस सेट द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्कम तो हिस्ट्री टीचर ने क्या बोला विद हैवी सार्क सार्कम क्या होता है इन ए मॉकिंग टोन टू मेक फन ऑफ सम ओके okay, तो उसका फन बनाते हुए उन्होंने बोला इन दैट केस परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन तो क्या क्या कोई आइंस्टाइन थ्योरी आइंस्टाइन द ग्रेट आप कोई अपनी थ्योरी हो एजुकेशन वो बताइए एल्बर्ट फ्लस्ट तो सारी क्लास के सामने उसको लगा कि उसके इंसल्ट होगी तो ही फेल्ट अशेमड बट आइंस्टाइन हैड एन आंसर to reply, I think it is not facts that matter, but ideas. He said, तो वो बोला कि it is not the facts that matter. Facts matter नहीं करते, but ideas matter करते हैं. I do not see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. कि वो इन चीजों को learn करने में believe नहीं करता कि कौन सी date को आ, कोई बैटल uh, uh, लड़ी गई ओके okay, या yeah, फिर और इवन विच ऑफ द आर्मी स्किल्ड मोर मैन आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर तो उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट जरूर होएगा कि वो लड़ाई लड़ी क्यों जा रही थी वो एक दूसरे को मार क्यों रहे थे ठीक है दैट इज अनफ मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रोअल अब उसको गुस्सा आ गया वी डोंट वॉन्ट टू लेट

मच गुड इट वो द स्कूल एनी गुड और तुम्हें एक्स्ट्रा पीरियड रुकने से स्कूल का भी कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इधर यू आर ए डिस आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम तो तुम स्कूल आ ही क्यों रहे हो ठीक है इट इज नॉट माई विश सर एल्बर्ट पॉइंटेड आउट तो वो बोलता है कि ये मेरी विश नहीं है मैं अपनी इच्छा से स्कूल नहीं आता तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एल्बर्ट कितना सफोकेटेड फील करता था कैसे उसका स्टडीज में जो कि क्लास में पढ़ाया जाता था उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था जैसे कि यहाँ हिस्ट्री क्लास में ओके देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय तब तो तुम एक थैंकलेस बॉय हो एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ तुम्हें शर्म आनी चाहिए आई सजेस्टेड यू आज योर फादर टू टेक यू अवे तो मैं जो तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम अपने फादर को बोलो कि तुम्हें यहाँ से वो लेके जाए